कैंटोनमेंट यानी कि छावनी एरिया से हम सब परिचित हैं कि छावनी क्या होती है। भारत में इन छावनियों का निर्माण शुरू हुआ था अंग्रेजों के जमाने में। 1765 में पहला कैंटोनमेंट बैरकपुर में भारत में स्थापित किया गया था। लेकिन जितना पुराना इन कैंटोनमेंट का इतिहास है, जिन नियमों के अंतर्गत यहाँ पे जो काम है वो होते हैं, वो भी काफी पुराने हैं। कम से कम 150 साल पुराना कैंटोनमेंट एक्ट है, जिसमें आखिरी बार परिवर्तन 2006 में हुआ था। अब सरकार ने एक नया बिल लाया है, कैंटोनमेंट बिल 2020, जिसको कि कंसल्टेशन के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर डाला था, जहां पर एक तरफ कैंटोनमेंट एरियाज में सिविलियंस अक्सर शिकायतें होती है उनकी, और कैंटोनमेंट के प्रोसेस को ज्यादा डेमोक्रेटाइज करने की मांग सामने आती रही है। वहीं इन इलाकों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, उन तक अक्सर सरकारी स्कीम्स जो हैं उनका फायदा नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये इलाके म्यूनिसिपैलिटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र के कैंटोनमेंट जन अधिकार मंच से सुनील मस्के जुड़ रहे हैं, जो कि हमें बताएंगे, इन्होंने अभी कुछ सजेशंस दिए हैं जो सरकार ने ड्राफ्ट बिल कंसल्टेशन के लिए डाला था उस पे। सुनील जी, क्या मुख्य चीजें हैं इन जो छावनी के इलाके होते हैं, वहां पे भी स्लम्स एरियाज भी होते हैं, वहां पे काफी गरीब तबके के लोग भी होते हैं, किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं? देखिए कि ये कंटोनमेंट बोर्ड एरिया जो है डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और डिफेंस मिनिस्ट्री हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भाग होता है, मिनिस्ट्री होता है डिफरेंट, लेकिन वो डायरेक्टली हमारे स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा ना होने के कारण स्टेट की कोई भी चीजें जो है, डेवलपमेंट स्कीम जो है, वेलफेयर स्कीम जो है, यहाँ के रहने वाले लोगों को नहीं मिलती। यहाँ का कारोबार जो है डिक्लेयर एरिया कहा जाता है वो कंटोनमेंट बोर्ड एरिया को, तो वो कारोबार वो डिक्लेयर एरिया में कंटोनमेंट एक्ट 2006 के तहत, जो उसके पहले 1924 में आया था कानून, उसी के तहत वहां का कारोबार चलाया जाता है। इसीलिए छोटी छोटी चीजों को भी लेकर हमें ये कहा जाता है कि आप आपके सांसद से मिलिए, और सांसद के जरिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगुवाई कीजिए और आप छोटी छोटी चीजें पा ले सकते है। और हमेशा ये कहकर नकारा गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका और हमारा कोई संबंध नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एजुकेशन की सुविधा नहीं है, यहाँ की बाल मजदूरी है, बाल विवाह के ज्यादा केसेस है, महिलाओं और बच्चों के लिए, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और म्युनिसिपल एरिया में जो है वुमन और चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी होती है बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए, यहाँ पे कैछावनी एरिया में वो कमेटी नहीं है। दूसरी बात है कि नागरिक सुविधा के लिए, विकास के लिए कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं मानता है। हर छावनी एरिया में जो लोग लाखों की तादाद में बसे हैं वो अक्सर सर्विस प्रोवाइडर है जो मिलिट्री ऑफिसर ने लाए गए हैं यहाँ पे। जी उनको जगह दी, यहाँ पे आप रहिए, इसका टैक्स भरिए, आपका इसका लाइट बिल भरिए, लेकिन ये जगह जो है हमारे नाम पे होगी और जब चाहे हम आपको यहाँ से रिलोकेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा ये हैंगिंग पोजीशन में रहा है यहाँ का रहने वाला इंसान। जैसे मैं कह रहा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर पालिका, नगर पंचायत अर्बन एरिया के लिए है, डिस्ट्रिक्ट जी काउंसिल, ब्लॉक पंचायत और विलेज पंचायत ये रूरल इंडिया के लिए है, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि वेयर वी द पीपल रिसाइडिंग कैंटोनमेंट, जी नॉर अटैच टू द अर्बन एरिया और नाइदर अटैच टू द रूरल एरिया। तो हमारे लिए कोई ऐसा स्ट्रीम ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है जो हम तक सुविधाएं पहुंचे। तो इसीलिए हमारे कैंटोनमेंट वासियों की स्थिति जो है, पूरे भारतवर्ष में 19 राज्यों में 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स है, वहां पे सिविल जी और आर्मी का मिक्स प्रशासन है, और लगभग 50 लाख से भी ज्यादा आबादी जो है वो बहुत ही अपने इंक्लूसिव डेवलपमेंट से इग्नोर है। जी जैसा कि आपने कहा कि ये ना रूरल में आ पाता है ना अर्बन में आ पाता है, ये अपने आप में या एक अलग बिल्कुल प्रशासनिक इकाई है। ऐसे में जब ये बिल्कुल सरकार एक नया बिल ला रही है, उसमें आप लोगों हाँ ने भी हाँ कुछ सुझाव दिए हैं, तो किस तरह के सुझाव हैं बिल्कुल या परिवर्तन है जो आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल। मैं बहुत डिटेल में लिखा हूं इसके ऊपर, लेकिन मैं दो तीन चीजें बहुत अहम समझता हूँ जो आपके साथ डिस्कस होने बहुत जरूरी है। जैसे कि हम वहां पे एक सेक्शन में लिखा गया है कि कंटोनमेंट बोर्ड ट्रीट एज अ डीम्ड म्युनिसिपालिटी, तो हम ये कहते हैं, हमें हमारा सुझाव यह है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि
कि अगर हम डीम्ड म्युनिसिपालिटी का दर्जा अगर कंटोनमेंट बोर्ड को देना चाह रहे हैं तो काफी अच्छा है, स्वागत है हमारे नेटवर्क की तरफ से, लेकिन हम ये भी इसके साथ में मानते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें ये बदलाव होना चाहिए कि जैसे हमारे अदर गवर्नेंस में, जैसे म्युनिसिपालिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी वहां के मेयर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट होते हैं जो लोगों से चुन के आए हुए होते हैं यानी इलेक्टेड बाय द पीपल, तो इसी तरह से हमारे छावनी एरिया के भी जो प्रेसिडेंट है वो लोगों से चुन के आने चाहिए और इलेक्टेड बाय द पीपल होने चाहिए। तो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी एक बात मैं आपसे कहूंगा कि वहां पे एक सेक्शन में कहा गया है, जैसे सेक्शन 10 रेफर सेक्शन 10 टू बी कि इट सेज इंप्लीमेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ सोशल वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ, हाइजीन, सेफ्टी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन रिन्यूअल एंड एजुकेशन। तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि ये कोई भी स्कीमें भले सेंट्रल से हम जुड़े हैं फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें भी हमारे यहाँ पे बड़े पैमाने में लोगों तक नहीं पहुंचती। अभी हमारा ये कहना है कि वहां पे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होना चाहिए कि द बिल ऑफ कंटोनमेंट 2020 शुड से इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी में हम ये जोड़ना चाहेंगे कि अलोंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट इट शुड बी रिटन दैट स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ सोशल वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ, हाइजीन, सेफ्टी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एक्सेट्रा एवरीथिंग। यानी हम ये जोड़ना चाहेंगे कि सेंट्रल नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीमें उसमें जोड़नी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें होना चाहिए। तो यानी कि आपकी मांग है कि और डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो कंटोनमेंट एरियाज में भी, साथ ही जो राज्य सरकार है उसका और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो ताकि जो स्कीम्स हैं राज्य सरकार की वो भी इम्प्लीमेंट हो पाए। तो कुल मिलाकर के ये जो बिल भी सरकार लाई है, बिल का एक में जो लिखा हुआ है कि डेमोक्रेटाइजेशन इसका एक मुख्य मकसद है, तो ऐसे में आपकी भी मांग यही है कि और स्थानीय लेवल पे डिसीजन मेकिंग हो कंटोनमेंट बोर्ड्स में। बिल्कुल बिल्कुल यस। गो न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।